हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अबाउट कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, विच इज़ आल्सो नोन एज CBR। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एम्स क्या रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इन द ओवरऑल जनरल अप्रोच ऑफ CBR, व्हाट इज़ द नीड ऑफ CBR एंड व्हाट इज़ CBR। सो मूविंग ऑन, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि CBR होता क्या है। तो CBR बच्चों एक एक्रोनिम है, यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म है किसके लिए, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, अब इसको नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। यानी कि हम रिहैबिलिटेशन तो हमें पता है क्या होता है, कि हम किसी पेशेंट को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, पर ये किसके ऊपर बेस है, इसका फाउंडेशन क्या है, कम्युनिटी। यानी कि हम पेशेंट को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं थ्रू कम्युनिटी, यानी कि एक सोसाइटी, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक समूह के द्वारा। सो CBR इज अ स्ट्रैटेजी बेस्ड टेक्निक यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन, इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सोशल इंटीग्रेशन ऑफ ऑल पीपल विद डिसेबिलिटीज इन द कम्युनिटी। अब बच्चों, हमें जैसे पता है, हमने एक वीडियो में बात करी थी अबाउट डिसेबिलिटी, हैंडीकैप एंड इम्पेयरमेंट। तो वहाँ से आपको पता होगा कि व्हाट इज़ डिसेबिलिटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, राइट। तो ये जो CBR टेक्निक है बच्चों, ये बेसिकली किसके लिए डेवलप हुई है, फॉर द डिसेबल्ड पीपल इन द सोसाइटी। ठीक है, अब डिसेबल पीपल को, अब क्योंकि देखो, जैसे हम एक बात करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा है, तो हो सकता है ना कि उसमें बहुत सारे डिसेबल्ड लोग रहते हों, ठीक है, तो हमें उनको भी तो रिहैबिलिटेट करना है, उनको भी तो सोसाइटी में अपनी जगह बनाने का पूरा हक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी इंडिविजुअल का पैर नहीं है, उसका पैर कटा हुआ है, ठीक है, ही इज़ डिसेबल्ड, वो अपने काम पर नहीं जा पा रहा, ठीक है, या फिर अगर हम ओवरऑल भी देखें, अगर मान लो उसको अपने घर से अपने काम के जाने के लिए वो बस से ट्रैवल करता है, ठीक है, तो क्या बस में ऐसी सर्विसेज हैं, क्या बस में ऐसे इक्विपमेंट्स हैं कि वो आराम से बस में जाके ट्रैवल कर ले और अपनी जॉब पे जा पाए? ना के बराबर हैं, बिल्कुल ही ना के बराबर हैं, स्पेशली इंडिया में। तो उसकी जो मतलब जॉब करना तो उसकी अपॉर्चुनिटी है ना, वो उसका राइट है कि मैं जॉब कर सकता हूँ, है ना। जैसे आप और मैं हैं, हम चाहें, अगर हमने फिजियोथेरेपी किया है तो हम अपना क्लिनिक खोलेंगे, हम हॉस्पिटल में जॉब करेंगे, हम रिसर्च में जाएंगे, हम और आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को, हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो ये हमारे पास राइट्स हैं और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसे ही, अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, उसके पास प्रॉपर राइट है कि वो भी एक हाई टेक कंपनी में जॉब कर सकता है जाके, अगर मान लो वो इंडिविजुअल को डिसेबिलिटी हो गई, उसके पैर एम्प्यूटेटेड हैं, वो नहीं चल सकता, ठीक है, या फिर वो चलेगा भी तो वो व्हीलचेयर के थ्रू चलेगा या फिर क्रचेस के थ्रू वो एम्बुलेट करता है, ठीक है। अब उसे अपने घर से अपनी जॉब पर जाना है तो वो नहीं जा पा रहा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको वैसे कन्वेंस नहीं मिल रहे। वैसे अगर मान लो कोई मिडिल क्लास घर का आदमी है तो वो इतने खर्चे भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो क्या हम उससे उसका राइट छीन लें कि नहीं तुम जॉब नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू आर डिसेबल्ड, तुम्हें राइट नहीं है अपनी चीज़ें करने का, उनको पूरा पूरा राइट है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस इशू को सॉल्व करने के लिए देयर इज CBR, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, जो कि डिसेबल्ड पीपल के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजिक टेक्निक है। यानी कि इसमें हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हम डिसेबल्ड को कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं उनको। तो इसका फोकस, तो CBR क्या हुआ, एक स्ट्रैटेजी बेस्ड टेक्निक है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं, डिसेबल्ड पीपल हैं, उनके रिहैबिलिटेशन पे ध्यान देते हैं, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इक्वलाइज करते हैं। अगर मान लो किसी कंपनी के पास दो एम्प्लॉयज़ आए, दो लोग आए जॉब के लिए, एक डिसेबल्ड है और एक बिल्कुल नॉर्मल है, तो कंपनी ऐसा नहीं कह सकती कि आप डिसेबल्ड हो तो हम आपको नहीं देंगे जॉब, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि अब हम आपको जॉब ही नहीं देंगे जस्ट बिकॉज यू आर डिसेबल्ड। अगर वो इंडिविजुअल प्रॉपर वो काम कर सकता है, फिर भी आप उसे जस्ट बिकॉज ही और शी इज़ डिसेबल्ड, अगर आप उसे काम नहीं दे रहे हो तो डैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, और ऐसा होता भी था पहले, ठीक है। तो हमें उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को इक्वलाइज करना है, ताकि उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि जो सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक नॉर्मल इंडिविजुअल को मिल रही हैं वो उस इंडिविजुअल को ना मिले। तो CBR उसकी तरफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है।
एंड सोशल इंटीग्रेशन ऑफ ऑल पीपल विद डिसेबिलिटीज़। यानी कि वही भेदभाव का फ़र्क नहीं आना चाहिए, जैसे आप और हम रहते हैं इस सोसाइटी के अंदर, वैसे ही वो भी हमारे साथ मर्ज होके रहेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें अगर हमारे लिए 10 रास्ते हैं तो उनके लिए भी 10 रास्ते ही होने चाहिए, जस्ट बिकॉज वो डिसेबल हैं तो उनके पास 5 रास्ते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को सॉल्व कौन करता है? CBR, ठीक है। सो CBR इज़ बेसिकली एन अप्रोच फॉर द बेटरमेंट ऑफ डिसेबल्ड पीपल इन द सोसाइटी। तो अभी जो हमने इतनी बातें करी उससे हमें क्या लग रहा है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनका बेटरमेंट हो रहा है, उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ठीक है, उनको हम एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं उनके लेवल से, ठीक है। तो ये उन्हीं के भलाई के लिए है जो हमने CBR को शुरू किया है, राइट। अब CBR इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू कम्बाइन एफर्ट। अब देखो कम्युनिटी में हम रहते हैं, ठीक है, तो कम्युनिटी में, कम्युनिटी किससे बनती है? तो देखो सबसे पहले तो एक डिसेबल्ड इंडिविजुअल होना चाहिए जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी फैमिली होगी, ठीक है, जिनके साथ वो घर में रहता है। फिर उनका एक लोकल लोकेलिटी होगी, एरिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद पूरी कम्युनिटी हो गई उनकी। तो दिस इज़ हाउ CBR इज़ इम्प्लीमेंटेड, यानी कि बिल्कुल रूट लेवल से जो कि डिसेबल्ड पर्सन है टू द अपर मोस्ट लेवल जो कि कम्युनिटी है। हमें सारे लेवल्स को ध्यान में रखते हैं और इन हर लेवल पे अलग अलग इंडिविजुअली सब कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, किसके लिए, ताकि जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल है, उसकी हमें 3 चीज़ें इंप्रूव करनी है। कौन कौन सी? एक तो हमें उसे जितना हम उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, जितना हम उसे ठीक कर सकते हैं उतना हमें उसे ठीक करना है, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है, उसको हमें इक्वलाइजेशन करना है अपॉर्चुनिटीज़ में। उसको फील नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए भेदभाव कर रहे हैं सब, मेरे को अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिल रही। और तीसरा क्या है, सोशल इंटीग्रेशन, यानी कि डिसेबल्ड पर्सन और नॉर्मल पर्सन एक साथ मिलके इस सोसाइटी के अंदर, इस समाज के अंदर अच्छे से रहें। उनको देख के किसी के मन में ऐसा होता है ना, भेदभाव की भावना, हीन भावना, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। सो अप्रोच टू CBR इज़ मल्टी सेक्टोरल। अब देखो कम्युनिटी है तो इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जाते हैं, तो इसमें हम गवर्नमेंट एजेंसीज की भी हेल्प लेते हैं और जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या फिर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनसे भी हेल्प लेते हैं, और ये CBR जो अप्रोच है ये करी जाती है। तो अप्रोचेज होती है जैसे लोकल कम्युनिटीज़ जो हुई, जैसे हमने बात की कम्युनिटी, तो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, लोकल सोसाइटीज़ हैं, उनका एक्शन हुआ, उसके साथ क्या चीज़ मिली, आउटसाइड असिस्टेंस, यानी मान लो गवर्नमेंट भी मिल गया उनके साथ या प्राइवेट सेक्टर मिल गया उनके साथ, तो जो ये चेंजेस शुरू, अब दो चीज़ें एक साथ मिल गई तो इससे वजह से क्या होगा, चेंजेस इनिशिएट होने लग जाएंगे, डिसेबल्ड पीपल की तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान जाएगा और हमें वही फुलफिल करना है, CBR का मेन गोल ही यही है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, मतलब क्यों करना है हमें CBR? तो देखो एक तो वही वाली चीज़ कि हमें जो डिसेबल्ड पर्सन है उनका सोशल इंटीग्रेशन कराना है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है और उनको रिहैबिलिटेट करना है अच्छे से, ठीक है। दूसरा क्या होता है ना कि देखो इतने बड़े लेवल का जब हम कोई काम करते हैं ना तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पर ये जो CBR अप्रोच है ना बच्चों, हमने ये बोला कि ये हर लेवल पे काम करता है, हर लेवल के जो लोग होते हैं वो इसमें पार्ट लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही काम कर रही हो, नीचे का कोई आदमी काम नहीं कर रहा, रूट से लेके ऊपर तक, यानी कि जड़ से लेके सबसे ऊपर वाली टहनी तक पौधे की, सब काम करते हैं इसके अंदर। तो क्या होता है ना, जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, वहाँ पे भी हम इस CBR टेक्निक को, इस स्ट्रैटर्जी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भी इसमें इतना उतना ही इन्वॉल्व होंगे जितने बड़े लेवल के लोग होंगे, ठीक है। तो ये वहाँ पे भी अच्छे से चल जाता है प्रोग्राम। सो प्रोग्राम लीडरशिप इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोफेशनल्स ओनली। अब ये देखो, अब हमने बोला कि हम इसमें हर लेवल पे इंडिविजुअल काम करता है, तो ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, सिर्फ वही उन्हीं का रॉब चलता है, नहीं, सिर्फ उनकी लीडरशिप नहीं चलती, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है इसमें, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सब अपनी बराबर की हिस्सेदारी देते हैं इस चीज़ के अंदर। अब इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो 1989 के अंदर बच्चों एक हेलेंडर नाम के आदमी थे, उन्होंने एक मैनुअल पब्लिश करी, किताब पब्लिश करी, जिसका टाइटल क्या था, ट्रेनिंग इन द कम्युनिटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ से लोगों के दिमाग में ना CBR का कॉन्सेप्ट उभरा, इवॉल्व हुआ, ठीक है। और ये किसके लिए डिजाइंड हुआ था, पीपल विद डिसेबिलिटी, डैट इज़ PWD, उनकी फैमिली और उनकी कम्युनिटी के लिए। तो ये एक मेजर फैक्टर था, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान CBR या डिसेबल्ड पर्सन की तरफ गया।
सो इन रिकॉग्निशन टू दिस जो एस्कैप है दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड पैसिफिक, इसने जो 1993 से 2002 का डिकेट था उसको एशिया एंड पैसिफिक डिकेट फॉर द डिसेबल्ड घोषित कर दिया था। लास्ट 20 साल से जो CBR है वो बहुत अच्छे तरीके से एक मेथड ऑफ रिहैबिलिटेशन इवॉल्व हुआ है, ठीक है, स्पेशली इन दी डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, जिसमें जो डिसेबल्ड पर्सन का रूरल एरियाज से भी, अर्बन एरियाज तो ठीक है, रूरल एरियाज से भी डिसेबल्ड पीपल को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मिली है। अब बच्चों इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो CBR इज़ अ सेल्फ हेल्प मूवमेंट। अब देखो कम्युनिटी वर्ड याद रखना CBR का, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अवेयरनेस एंड कंसर्न ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का हम अवेयरनेस करते हैं, कंसर्न करते हैं, ठीक है। इनिशिएटिव्स कहाँ से आएंगे, कम्युनिटी से ही आएंगे, प्लानिंग फ्रॉम कम्युनिटी, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कम्युनिटी से, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कम्युनिटी, इवेल्यूएट उसको परखेगा कौन कि ये चीज़ सही है, कम्युनिटी, परखने के बाद कोई गलती होगी उसको ठीक कौन करेगा, मॉडिफाई कौन करेगा, कम्युनिटी, उसके बेनिफिट्स कौन उठाएगा, कम्युनिटी। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ CBR। और क्या क्या कॉन्सेप्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड फाइनेंशियल टू कम्युनिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशंस। देखो ये वही बात है, बहुत फैंसी शब्दों में लिख दी गई है कि हर इंडिविजुअल का ना रोल होता है। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई चीज़ ना एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं जैसे रावण था, ठीक है, राम जी ने रावण को मारा तो हमें पता था कि रावण का जो नेवल वाला पार्ट है वहाँ पे तीर मारेंगे तो ही वो मरेगा, क्यों, क्योंकि जो उसकी सारी एनर्जी है वो सेंट्रलाइज थी एक एरिया पे, ठीक है। पर डिसेंट्रलाइजेशन का क्या हुआ, मतलब कि सारी एनर्जी एक जगह स्टोर नहीं है, पूरी बॉडी में है। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब किसी एक अथॉरिटी के पास पूरी पावर नहीं है कि मैं ही सब कुछ करूँगा, मैं ही सब कुछ देखूंगा, मैं ही सारे फ़ायदे उठाऊंगा, नहीं, सब कुछ डिवाइडेड है अलग अलग लेवल पे। एम्पावरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, यानी कि जो डिसेबल्ड है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है हर काम में, वो भी अपना 100% देंगे, तो किसका एम्पावरमेंट होगा, कौन आगे ग्रोथ लेगा, ओवरऑल पूरी कम्युनिटी आगे ग्रोथ लेगी। सो CBR इज़ अप्रोप्रिएट रिहैबिलिटेशन टूल फॉर डिसेबल्ड इन द रूरल एरियाज़। तो इसकी भी हमने अभी बात करी, क्योंकि रूरल एरियाज़ में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, इतने इक्विपमेंट्स नहीं होते कि वहाँ पे डिसेबल्ड को अच्छे से, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि अब जैसे कोई व्हीलचेयर पे एम्बुलेट करता है कोई डिसेबल्ड पर्सन तो वो स्टेयर्स से तो नहीं जा पाएगा, सीढ़ियों से तो नहीं चढ़ पाएगा, तो वहाँ पे रैंप होना चाहिए। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, ये सारी CBR के थ्रू छोटे लेवल तक भी गई है, ग्रास रूट लेवल तक भी, छोटे कस्बों तक भी ये चीज़ गई है। CBR इज़ अ नीड बेस्ड रिहैब प्रोग्राम, ठीक है। तो CBR इज़ डन इन द कम्युनिटी एट द कम्युनिटी लेवल बाय द यूटिलाइजिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी का ही इसमें मेन रोल होता है, वही सारी चीज़ें इकट्ठा करती है, वही सारी उन चीज़ों को ढंग से प्लानिंग करती है, वही फिर वो इम्प्लीमेंट करती है, वही एग्जीक्यूट करती है और वही उनके बेनिफिट्स लेती है। अब इसके अंदर क्या, अभी सारा बच्चों हो किस लिए रहा है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए। तो जो डिसेबल्ड पर्सन और उसकी फैमिली होती है ना, ऐसा नहीं कि उनको बस बता दिया कि ठीक है आप ये कर देना, आप ये कर देना, आप वो कर देना, उसको भी पूरा एक एक्टिव मेंबर रखते हैं इस CBR टेक्निक के अंदर। वो बताएगा कि हाँ भाई मुझे स्टेयर से चढ़ने में उतरने में दिक्कत है, आप मेरे लिए वो स्लोप लगवाओ, ठीक है। तो उसके कहने पर हम वो स्लोप लगवाएंगे, यानी कि डिसेबल्ड पर्सन जो है वो भी अपनी पूरी हिस्सेदारी देता है, वो भी अपनी पूरी जिम्मेदारी देता है इस CBR प्रोग्राम के अंदर। ऐसा नहीं हम उसे बता देंगे हाँ हाँ ये सब ये सब ये सब, वो भी हमें बताएगा कि ये सब करो। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेन और जनरल ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर पॉसिबिलिटी फॉर वर्क फॉर डिसेबल्ड पर्सन। अब डिसेबल्ड पर्सन को मतलब काम की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, रीच टू यूजुअल सर्विसेज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव उसे काम मिलेगा, दूसरा उसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। तीसरा क्या है, एनेबल कम्युनिटीज टू प्रमोट राइट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। तीसरा क्या है कि हम कम्युनिटी में जो डिसेबल्ड पर्सन के राइट हैं, यानी कि तीन चीज़ें हैं, सबसे पहला क्या है हम वर्क की पॉसिबिलिटी दे रहे हैं, दूसरा हम उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तीसरा हम क्या कर रहे हैं जो डिसेबल्ड पर्सन के राइट हैं वो हम उनको देंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ओवरऑल फंक्शनल कैपेबिलिटी जो है
डिसेबल्ड पर्सन की, मतलब हम उन्हें जितना ठीक कर सकते हैं थ्रू रिहैबिलिटेशन हम उन्हें ठीक करेंगे. कम्युनिटी एक्टिवेशन एंड मोबिलाइजेशन टू हेल्प द डिसेबल्ड अचीव इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फुली पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी. एनेबल डिसेबल्ड पर्सन एंड देयर फैमिलीज एज एक्टिव डिसीजन मेकर एट ऑल लेवल ऑफ CBR. तो ये भी हमने पढ़ा था कि डिसेबल्ड पर्सन है वो एक पैसिव पार्टिसिपेंट नहीं होता, वो और उसकी फैमिली एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होती है इन द CBR प्रोग्राम. एम्स क्या होते हैं इसके? प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क इन्फेंट, असेसमेंट ऑफ फ्यूचर नीड्स फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, डेवलपमेंट ऑफ होम बेस्ड प्रोग्राम, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, प्ले ग्रुप एंड इंटीग्रेटेड स्कूल फॉर चिल्ड्रन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंड बाय द पीपल विद डिसेबिलिटी. प्रिंसिपल्स क्या हैं? सो रिहैबिलिटेशन इज़ द राइट. तो ये आप उनको दया करके नहीं दे रहे हो डिसेबल्ड पर्सन को ये चीज़ें, ये उनका राइट है. जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो वो हमें दान में नहीं दे रहे हैं, वो हमारा हक है. ठीक है, एक दान में और एक हक में बहुत फ़र्क होता है. तो डिसेबल्ड पर्सन का ये हक है इन सारी चीज़ों का. कौन कौन सी चीज़ों का? कि उनको जस्टिस मिलेगा, उनको एक रिस्पेक्ट मिलेगी समाज के अंदर, उनको काम करने की जगह देनी होगी, उनको पूरी यू नो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनको आप रोक नहीं सकते. दूसरा क्या है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिसेबल्ड पर्सन अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो उनको हमें ओवरऑल मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करना है. तीसरा क्या है? कम्युनिटी ओरिएंटेशन एंड स्ट्रेंथनिंग एंड एक्टिवेटिंग द रिसोर्सेज एंड लोकल सोसाइटीज इज द फंडामेंटल गारंटी फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. यानी कि हमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी कराना है इसके अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड डिफरेंट डोमेन्स ऑफ CBR विच वी हैव टॉक्ड इन दिस वीडियो. Now in the coming videos, we will study about the management cycle in CBR, CBR matrix, what are the stakeholders in a CBR program. So this is the part 1, the introductory video for the CBR approach. So stay tuned for the next videos, the next part of the CBR program. If you have any doubt, you can ask me in the comment section or you can mail me through the mail ID physiotherapyclasses09@gmail.com. I will also list that mail in the description box. Thank you.